हेलो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सोशल चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड फैक्टर्स रेजिस्टिंग सोशल चेंज तो इन चीज़ों के बारे में हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से कि सोशल चेंज जो है वो क्या होता है तो चेंज चेंज से हम समझते हैं कि चेंज जो है वो एटर्नल लॉ ऑफ नेचर होता है कि चेंज जो है वो नेसेसरी है उसको होना ही है तो सोशल चेंज दो वर्ड से मिलकर बना है सोशल और चेंज मतलब कि सोसाइटी सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी तो सोसाइटी में कोई भी चेंज होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं तो सोसाइटी की सिचुएशन में जो है वो चेंजेस आते रहते हैं जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं प्रोग्रेसिव या डिग्रेसिव कुछ भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनक्रीज़ कर सकता है स्टैंडर्डाइज बना सकता है या फिर उसको डिक्रीज भी कर सकता है तो वही सोशल चेंज होता है और हम ये बोल सकते हैं कि सोशल चेंज ऑलवेज ग्रेजुअल इट टेक्स टाइम इट डज़ नॉट हैपन ओवर नाइट आप ये नहीं बोल सकते कि एक दिन के अंदर सोशल चेंज आ गया सोसाइटी के अंदर पंद्रह दिन के अंदर चेंज आ गया महीने के अंदर इसको बहुत टाइम लगता है तब जाके हम एक जो है वो सोसाइटी को देखते हैं जिसमें कुछ चेंज हुआ है और यह चेंज कैसे भी हो सकता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल स्ट्रक्चर में मैटर ऑफ लिविंग में सॉरी मैनर ऑफ लिविंग में और सोशल रिलेशनशिप्स कस्टम्स ट्रेडिशन बिलीव्स इन सब में जो भी चेंज होगा उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं सब जो है एक सोसाइटी के अंदर होता है और सोशल चेंज के बारे में जो है वो अलग अलग डेफिनेशनस दी गई तो जो जॉनसन जो थे उन्होंने कहा कि सोशल चेंज में भी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज़ ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल कि जो लोगों को काम करने का तरीका है या सोचने का तरीका है उसमें चेंजेस होना है। उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं फिर जो अगले फलोसफर रहे उन्होंने कहा जो कुपित स्वामी थे उन्होंने कहा कि वैन वी स्पीक ऑफ सोशल चेंज वी सिंपली असर्ट दैट देर इज़ सम चेंज इन सोशल बिहेवियर एंड इन सोशल स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी के अंदर लोगों का बिहेवियर में चेंजेस आना या फिर सोशल जो स्ट्रक्चर वहाँ की है उसमें चेंज आना उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं अब बात करें तो सोशल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोशल चेंज देखिए यूनिवर्सल होता है और इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पर सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ तो बाकी कहीं नहीं वो यूनिवर्सल है वो सभी सोसाइटी के अंदर चेंज होता है हर टाइम ये होता रहता है कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई चेंज ना हुआ हो सालों सालों तक जैसी वो है आज है ऐसी वो पिछले दस साल पहले भी थी या अगले दस साल बाद रहेगी ऐसा कुछ नहीं होता सोशल चेंज यूनिवर्सल होते हैं बस ये डिपेंड करता है कि किसी सोसाइटी में ये सोसाइटी सोसाइटी वेरी करता है टाइम टू टाइम कोई सोसाइटी सभी सोसाइटी चेंज होती है बस कोई प्रोग्रेसिव वे में होती है कोई पॉजिटिव वे में चेंज आता है किसी सोसाइटी में किसी में नेगेटिव वे में चेंज आता है इसी तरह सोशल चेंज जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि जो भी जितनी भी सोसाइटीज़ है वो ग्रो करती रहती है या उनका डीके होता रहता है तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये चलता रहता है चेंज की तरह जैसे चेंज चलता रहता है ऐसे ही सोशल चेंज भी चलता, चलता रहता है And where it finds renewable and accommodate itself to various changing चेंजिंग changing condition जहाँ पर भी कुछ भी changing conditions आ जाती है ये तुरंत change हो जाता है और जो सोर्सेज है डायरेक्शन है रेट है फॉर्म्स है चेंज के ये वेरी करता है टाइम टू टाइम बट हो सकता है कि स्टार्टिंग में सोशल चेंज जो है वो थोड़ा स्लो हो और टाइम के बाद ये बढ़ जाए बट इससे फ़र्क नहीं है ये वैरी कर सकता है बट ये ऑलवेज कंटिन्यूस रहता है चेंज इज़ इनिवेटेबल इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा नेचर होता है हमारी टेंडेंसी होती है कि किसी चीज़ में चेंज लाना तो या तो हम किसी चीज चेंज को अपोज करते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी जो आशाएं हैं इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और वो भी हमेशा चेंज होती रहती है आज हमें सोसाइटी के अंदर ये चेंज चाहिए तो कुछ दिनों कुछ टाइम बाद हमें कुछ और चेंजेस चाहिए हमें किस हम किसी चेंज को अपोज कर सकते हैं किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो यही जो जो भी नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स के इसको सेटिफाई कर सेटिसफाई करने के लिए सोशल चेंज का सोसाइटी के अंदर होना ज़रूरी है इसलिए इसको बोला गया है कि चेंजेस इनोवेटेबल वो कैसे भी आ सकता है तो इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी चेंज आता है और जो है वो चेंज जो है वो पूरा एज ए होल भी हो सकता है या वन ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है और ये भी नहीं है कि जितने भी चेंज हुए वो परमानेंट हो लाइक like अगर एक सोसाइटी आज काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है तो जरूरी नहीं वो काफ़ी टाइम बाद जाके एक प्रोग्रेस सोसाइटी बन जाए हो सकता है उसमें कुछ लोगों की वजह से वो जो है वो डी के उसका होना शुरू हो जाए तो ये कोई हम ये नहीं बोल सकते अगर सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ है वो परमानेंट रहेगा और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चेंज होता है सोसाइटी के अंदर तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेस की तरफ हो वो डिग्रेस की तरफ भी हो सकता है तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज में आती है अब बात करें थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज तो चेंजेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं ये बेसिक मैं आपको बता दूं तो जैसे एक चेंज हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज और सेकंड कल्चरल चेंज स्ट्रक्चरल चेंज जहाँ पर चेंज जो है वो अफेक्ट करता है होल सोसाइटी को लाइक like इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया जिससे कि जैसे पहले आप सोसाइटी देखें सिंपल काफ़ी देखने में मतलब काफ़ी नॉर्मल एकदम सिंपल लगती थी बट आज के टाइम में जो है वो इंडस्ट्रियलाइज की वजह से इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ आप उसके अंदर देखोगे तो ये लोग भी इसके अंदर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का चेंज हो जाता है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ और सेकेंड जो है वो कल्चरल चेंज होता है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है हमारे बिलीफ सिस्टम में हमारी वैल्यूज़ में तो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाना सोसाइटी के अंदर और जैसे डाउरी सिस्टम है इसका धीरे धीरे ख़त्म होना तो इस तरह को हम बोल सकते हैं कल्चरल चेंज तो इन्हीं कुछ चेंजेस को देखते हुए थ्योरीज बनाए गए सोशल चेंज की जैसे फर्स्ट थ्योरी है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी जिसको दिया है ओकबड़ ने इसके अंदर क्या है कि टाइम टू टाइम के साथ साथ जो हमारे सोशल सोसाइटी है उसके अंदर नए नए चीज़ों का इन्वेंशन होता रहता है टेक्निकल टर्म में बात करें तो जैसे पहले हम जो है वो मैसेज जो है वो जो लेटर जो है वो लिखा करते थे बट आजकल क्या है लोग अपने सेलफोन से मैसेज टाइप कर सकते हैं दूर दूर तक उसको भेज सकते हैं कॉल कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ जो है सोसाइटी के अंदर आते हैं आ, जो चीज़ें पहली सोसाइटी के अंदर नहीं थी आज उनका इन्वेंशन हुआ है पहले उनका इन्वेंशन होता है नए ऑब्जेक्ट बनते हैं जो आइडियाज़ हैं जो पहले आइडियाज़ में थे आज उनको कन्वर्ट कर लिया गया है उनको थॉट्स में कन्वर्ट किया गया फिर उनसे रिलेटेड जो इन्वेंशनस किए गए कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए जैसे पहले हम जो है लोग नॉर्मल घोड़ा गाड़ी में जाते थे बट अब क्या हो गया है इलेक्ट्रिसिटी uh, आ गई है इलेक्ट्रिक कार भी आने लगी है और फिर जो डिस्कवरी होती है चीज़ों की सोसाइटी के अंदर जैसे पहले किसी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था पर फिर बल्ब की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिसिटी आई तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ फिर डिफ्यूज़न उसी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो आइडियाज़ में कन्वर्ट किया गया लाइक like इलेक्ट्रिसिटी कितनी सारी चीज़ें चलती है आपके सेल फोन और ये फ़ोन जिससे आप अभी वीडियो बन रही है ये फ़ोन या फिर लैपटॉप बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो आइडियाज़ को डिस्कवरी तो होती है साथ साथ उसमें फिर नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं उससे नई नई चीज़ें बनाई जाती है तो ये टेक्नोलॉजिकल थ्योरी होती है सोशल चेंज की ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल चेंज में बात करें लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज की लीनियर थ्योरी मतलब सोसाइटी का जो कॉमटे स्पेंसर कार्लमैक्स हैं इनका मानना था कि सोसाइटी का जो सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, होता है और ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ चेंज होता है हमेशा वो डायरेक्शन में होता है एक फॉरवर्ड चेंज होता है जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी को देखो इसके लिए उन्होंने थ्री स्टेजेस दी थियोलॉजिकल स्टेज मेटाफिजिकल स्टेज और साइंटिफिक स्टेज कि पहले जो है वो लोगों को साइंस के बारे में नहीं पता था फिर धीरे धीरे पता चला फिर मैटर के बारे में पता चला फिर उसमें साइंटिफिक डिस्कवरी इनोवेशन जो है वो होने स्टार्ट हो गए जो पहले की सोसाइटी थी वो काफ़ी सिंपल थी आप हंड्रेड इयर्स एगो की सोसाइटी को देखो और आज की मॉडर्न सोसाइटी को देखो तो आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे और जैसे आजकल टेलीफोन है उससे फिर इंटरनेट आया फिर उससे रिलेटेड और चीज़ें आई सोशल मीडिया फिर अदर चीज़ें साइबर थ्रेट साइबर क्राइम बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती रहती हैं तो इसी तरह साइंटिफिक स्टेज डेवलप हो गई है आजकल जोलॉजिकल मेटाफिजिकल से बाद में साइंटिफिक स्टेज इस तरह स्टेजेस में जो है वो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन बींग्स का बात करें साइक्लिक थ्योरी को जिसको प्रोपाउंड किया था स्प्रेंगर सोरोन ने इन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है वो तीन क्लास में डिवाइड है एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल एंड आइडियलिस्ट एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल आइडियलिस्ट थ्योरीज के जो है वो लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं जो चेंज लाते हैं सोसाइटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो इस स्प्रैंकर थे उन्होंने तीन साइकिल को जो है वो मेंशन किया था कि पहले बर्थ होता है फिर लोगों के में मैच्योरिटी आती है और फिर ऐसे उनकी डेथ हो जाती है इस बीच वो बहुत सारे जो है उनके काम होते हैं कोई किस फील्ड में कुछ काम करता है कोई किस फील्ड में कुछ काम करता है तो वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाने के अगर कोई अच्छा काम करता है तो एक अच्छा चेंज होता है अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो सोसाइटी के अंदर बुरा चेंज होता है वो और वो डिग्रेस की ओर आने लगती है तो ये तीन थ्योरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी सोशल चेंज की ये मैंने आपको बताई और ये इनके बारे में बस यही बोला जाता है कि ये थ्योरीज जो है वो बेस्ड है एक्सपीरियंसिस पर इनका कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है कि कहीं कुछ लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी बताई बस इन्होंने एक्सपीरियंस क्या चीज़ों को देखा ऑब्जर्व किया और उसके थ्रू इन थ्योरीज़ को बनाया नेक्स्ट बात करें तो फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज इवोल्यूशनरी चेंज इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एक सोसाइटी के अंदर चेंज होता है वो एक दिन के अंदर नहीं होता है एकदम से नहीं होता उसको बहुत सारा टाइम जो है वो लगता है और दिस टाइप ऑफ चेंज डू अगर इन ऑल अ शडन रादर दे अकर ग्रेजुअली बट इट दैट दे हैव अकर सडनली वैसे तो उनको काफ़ी टाइम लगता है काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है एक सोसाइटी के अंदर चेंज आता है बट फिर भी हमें लगता है कि ये अभी कोई चेंज हुआ है वो हमें दिखने में लगता है कि एक सडन चेंज है बट उसको टाइम बहुत लगता है वो एक ग्रेजुअल चेंज होता है और ये जो यही इवोल्यूशनरी चेंज है इवोल्यूशन जो है वो होता रहता है जैसे पहले ह्यूमन बींग्स कैसे थे फिर अब जाके ह्यूमन बींग्स कैसे बन गए तो ये भी एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये भी एक कंटिन्यूस चेंज है जो चलता रहता है अब बात करें फ्लक्चुएटिंग चेंज की सोसाइटी के अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और वो जैसे एक वेव होती है वोटर वेव और वो फ्लक्चुएट करती है कभी अपवार्ड कभी डाउनवर्ड इन द सेम वे सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस होते हैं कभी वो प्रोग्रेस की तरफ जाती है कभी वो डिग्रेस की तरफ जाती है लाइक like, अगर आप देखो तो पहले के टाइम में जो है वो पैंट्स जो है वो नीचे से जो है वाइड होती थी फिर जाके उनको जो है नैरो बनाया गया फिर अगेन वाइड होने का फैशन आ गया तो इसी तरह फ्लक्चुएशन सोसाइटी के अंदर चल जा चलता रहता है जो चीज़ें ओल्ड हो गई जिनको पीछे छोड़ देगा फिर अगेन पता चलता है इन चीज़ों का फैशन आ गया है और ये चीज़ें फिर से आप इनको सोसाइटी के अंदर देखते हो फिर बात करें साइक्लिक चेंज की तो हमने पहले भी डिस्कस किया है जैसे इसका एग्जाम्पल ले तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट गोज़ डाउन ड्यू टू इम्प्लॉयमेंट स्कीम बट दे राइज अगेन ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज़ एंड इट अफेक्ट्स द चेंज इन द सोसाइटी सोसाइटी में एक साइकिल जो है वो चेंज एक साइकिलिक मर में चलता रहता है जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो आगे आने वाली चीज़ों को अफेक्ट करती है आगे आने वाले से हमारा प्रीवियस इफेक्ट होता है फ्यूचर अफेक्ट होता है तो जैसे जो अनइम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ गया है अगर सोसाइटी में तो गवर्नमेंट क्या करेगी एक इम्प्लॉयमेंट इस्कीम लेकर आएगी जिससे कि हम अनइम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे बट अगेन फिर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जिससे अगेन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट uh, है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो ये अफेक्ट करता है और इससे जो है वो फिर आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर फिर वही सिचुएशन बनी रह जाती है अनएम्प्लॉयमेंट वाली तो ये एक चेंज जो है वो चलता रहता है और फैशन में भी इसी तरह चेंज आता है जैसे कभी ट्राउजर्स वाइड तो कभी नैरो तो एक साइक्लिक चेंज जो है वो चलता रहता है इस इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हो बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज की तो नेचुरल फैक्टर लाइक like, जो नेचर है उससे उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होते हैं और जो लैंड सरफेस है वो भी एक, एक स्टेटिक नहीं रह सकते अगर लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो जरूर नहीं जो लैंड है वो स्टेटिक रहे वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जैसे फ्लड आ गई कोई ड्राउट है फैमिन है अर्थक्क है डिजीज है उनकी वजह से लाइक जो कोरोना पैंडमिक अब अभी देख रहे हो इसकी वजह से कितने सोसाइटीज़ कितने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ क्लासेज ऑनलाइन हो गई स्कूल्स बंद हो गए कॉलेज बंद हो गए बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही देख रहे हैं ऑनलाइन ही लोगों से हम कनेक्टेड हैं तो इसी तरह जैसे हिमा उत्तराखंड के अंदर जो है वो जो बादल है वो उसके फट जाने की वजह से वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना चेंज हुआ सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया लोगों को इधर उधर जाके रहना पड़ा उनका जो जितना भी घर था जितना सामान था सब बर्बाद हो गया तो नेचुरल फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोशल चेंज को बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो जैसे पॉपुलेशन uh, जो है वो बियरिंग ऑफ विद ड्यू टू हेरिडिटी दैन इट वै इम्पैक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑल्सो ऑन द अदर है नॉट ओनली इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिजिज बट ऑल्सो मैरिजेज विद फॉरन नेशन आर अकिंग विच अफेक्टिंग सोशल चेंज देखिए कहीं कहीं तो जो है वो हमारी जो हेरिडिटी है हमारे पुराने रिचुअल है कल्चर है वैल्यूज़ हैं उनको लोग आज भी अपना रहे हैं और कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा जाता है लाइक like, कोई इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजिज़ को फॉलो कर रहा है कोई बोलते हैं कि फ़ोरन नेशनल्स ये इनके साथ मैरिज करना सही है कोई इसके अपोज अपोज में रहते हैं तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है हम अपनी हेरिडिटी से अपने जो लोग हैं उनसे जो हमारे वंश वंशज रहे हैं उनसे क्या सीखते हैं कैसे उसको अप्लाई करते, है, तो है, करते हैं like ये तो ये अफेक्ट करता है सोशल चेंज को डेमोक्रेटिक फैक्टर भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं लाइक इंक्रीज़ होना या डिक्रीज होना पॉपुलेशन में क्योंकि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर इसका काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा पॉवर्टी आएगी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी क्राइम बढ़ेंगे पोल्यूशन होगा ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल चेंज को ग्रेट एक्सटेंट तक अफेक्ट करती है फैक्टर की तो जो मॉडर्न एज है टेक्नोलॉजी से ही जो है वो काफ़ी अफेक्टेड है कोई भी नई इन्वेंशन होती है नई मशीन की या टूल की तो ये हमारी सोशल लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करती है जैसे पहले लोग बड़ा कंप्यूटर यूज़ किया करते थे फिर लैपटॉप आया लैपटॉप को बैग में भी कैरी कर सकते थे उसके बाद टैबलेट आई तो स्मॉल चीज़ में जो है वो काफ़ी सारा वर्क कर सकते हैं और ये टैबलेट को कैरी करना भी बहुत ईजी होता है कहीं से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान होता है तो ये अफेक्ट करता है लोगों की सोशल लाइफ को कोई भी नया इन्वेंशन होता है पहले लोग कपड़ों से हाथ धोया कर वो कपड़े हाथों से धोया करते थे उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन्स आई पहले जो है वो खाने को खाना जो है वो या तो लोग इतना ही बनाते थे जित जितना उनका वर्क हो पाए या फिर वो जैसे कोई जैसे उनको दूध लाना है वो तभी जब उनको नीड होती तभी लाते थे मार्केट से बट अब वो लेकर आ जाते हैं और वो फ्रिज में रख सकते हैं उसको जो है अपने घर के अंदर रख के जो है वो जब उनको यूज़ करना होता है तब वो उसको यूज़ कर सकते हो तो ये काफ़ी ईजी बना देता है आपकी लाइफ को बात करें कल्चरल फैक्टर की तो सोशल लाइफ हमारी रिलीजन ट्रेडिशन बिलीव्स वैल्यूज़ इन पर भी चें जो है वो काफ़ी अफेक्ट करती है और कोई भी चेंज इनके अंदर होता है तो वो हमारी सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें <coughs> बहुत सारी चेंजेस जो है वो सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी होते हैं लाइक like अगर कोई पोलिटिकल uh, जो है वो लाइक like कोई गवर्नमेंट है और वो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट करा रही है सोसाइटी के अंदर नए नए प्लान्स लेकर आ रही है और लोगों के भले के बारे में सोच रही है तो सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेस करेगी और लोग भी जो है वो गवर्नमेंट का के साथ कोऑपरेट करेंगे बट अगर गवर्नमेंट ऐसी है वो जो है वो धांधली करती है और पैसा जो है वो सोसाइटी के भले के लिए यूज़ नहीं होता उसकी प्रोग्रेस में यूज़ नहीं होता तो लोगों का भी कोऑपरेशन नहीं होता और हमारी सोसाइटी का भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो पॉलिटिकल फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज बाय लॉ लॉ से भी सोशल चेंजेस हो सकते हैं हो सकते हैं लाइक like, लाइक like जो मासिक चेंजेस जो इंडिया इंडियन जो इंडिया कंट्री हमारे उसके अंदर लॉज के थ्रू काफ़ी चेंजेस हुए हैं जैसे कि प्रोहबिशन ऑफ जमींदारी अनटचेबिलिटी सती प्रैक्टिस और आपने सुना होगा तीन तलाक इन सारे जो सोशल इवीट्स को जो है वो लो ने काफ़ी हटाया है तो ये लो इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बिंग ए सोशल चेंज अब बात करें सोशल चेंज बाय वॉर वॉर से भी सोशल चेंज होता है लाइक like आपने सुना वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू जितने भी वॉर होती है बड़ी बड़ी वॉर तो उनमें क्या होता है मैसिव लॉस होता है लाइफ का प्रॉपर्टी ऑफ लोगों की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो लाइफ ऑफ इंडियन है ये ग्रेटली अफेक्ट होगी ड्यू टू वॉर वी चाइना एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी वॉर अभी भी चलता रहता है कुछ ना कुछ तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है और लोगों के जो है वो प्रोग्रेस होने में जैसे आपने देखा होगा जापान के ऊपर हिरोशिमा ही हिरोशिमा नागसागी पर बम डाला गया तो उन्हें काफ़ी टाइम लगा एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्री को बनने में उन्हें काफ़ी सालों लग गए और उन्हें मेहनत करनी पड़ी जबकि वो बना बनाया कंट्री था और जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ वॉर के दौरान तो उसने वहाँ सब कुछ ख़त्म कर दिया तो सोशल चेंज होते हैं वोर से अब बात करें फैक्टर्स रेजिस्टिंग सोशल चेंज जो फैक्टर जो है वो सोशल चेंज को होने से रोकते हैं जैसे कि फियर ऑफ नोवेल्टी लोगों के अंदर क्या है कि वो जैसे जिस सिचुएशन में है वो चाहते हैं कि मैं इसी सिचुएशन में रहूं उन्हें कुछ नया करने में नया इन्वेंट करने में सोसाइटी के अंदर जो है वो एक फियर महसूस होता है तो कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं अपनी सोशल कंडीशन से शो सो दे डोंट ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी आगे बात करें तो कल्चर इनर्शिया कुछ लोग होते हैं कल्चर इनर्शिया से समझे हम अपने कल्चर से काफ़ी जुड़े होते हैं और उससे हटना नहीं चाहते जैसे वैल्यूज़ बिलीव ट्रेडिशन जो हमारे एनचेस्टर से हमें मिले हैं तो लोग जो है वो मुन्ही को मान के चलते हैं लाइक like अगर डाउरी सिस्टम पहले लोग फॉलो करते होंगे तो उनके आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उसको फॉलो कर रही है और वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते और इस जो ये केस है जो ये जो भी ये सिचुएशन है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसे में पॉसिबल भी नहीं है एक सोशल चेंज आ पाए किसी भी तरह से अब बात करें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारे पीपल हैं लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जो हु डू नॉट ओनली दोज थिंग विच आर रूटेड इन दयर वास्टेड इंटरेस्ट दे डू डोंट वांट टू डू एनी सच थिंग विच मे बी एन ऑब्स्टिकल इन दियर सेल्फिश इंटरेस्ट जो लोग हैं वो अपने बारे में सोच कर सो, सोसाइटी के अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहते बस अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं अपने लिए काम करते हैं सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं करते अपने इंटरेस्ट को ही देखते हैं बाकी जो दूसरे लोग हैं समाज में लोग हैं उनके भले के लिए कोई काम नहीं करते तो उससे भी जो है वो सोशल चेंज में रेजिस्टेंस आता है बात करें आइसोलेशन के तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं उन्हें दूसरों से अलग रहना ही पसंद है और जो है वो वो यही सोचते हैं वो हु वॉन्ट टू आइसोलेट दैम सेल्फ प्रो मदर्स एंड डिजायर दैट देअर कल्चर शुड बी प्रिजर्व सो दे डोंट वॉन्ट टू कम इन टू कॉन्टेक्ट विद अदर इसलिए वो दूसरों लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करते उनसे कोऑपरेशन नहीं करते और इसी तरह सोसाइटी में जो है वो एक चेंज नहीं आता तो ये कुछ फैक्टर है जो रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल मोबिलिटी को So thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.